अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के सालाना अजलास में शिरकत के गर्ज से न्यूयॉर्क में 7 दिन कयाम के लिए तब्दीली और सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल को तर्क करने के इंतखाबी नारों से इक्तदार में आने वाले इमरान खान ने रोजवेल्ट होटल का इंतखाब किया है, जो पाकिस्तान की कौमी फजाई कंपनी PIA की मलकियत है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान के पेशरो नवाज शरीफ ने कभी रोजवेल्ट होटल में ठहरना पसंद नहीं किया था। वो जब भी जनरल असम्बली के सालाना अजलासों में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए, उन्होंने वाल्डोर्फ एस्टोरिया या न्यूयॉर्क पैलेस का ही खाब किया। लेकिन आज हम आपको रोजवेल्ट होटल की तारीख के हवाले से कुछ बताएंगे कि रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान ने कब खरीदा, इस होटल में कौन कौन सी शख्सियात रह चुकी हैं और इस होटल के कमरे का एक रात का किराया कितना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल 9 News HD को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बरवक्त मौसूल हो सके। तो सबसे पहले रोजवेल्ट होटल की मुख्तसर तारीख। न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल के क्याम को एक सदी हो गई है। इसका इफ्तिताह 23 सितंबर 1924 में हुआ था। अमेरिकी सदर थियोडोर रोजवेल्ट के नाम पर बनाए गए इस होटल के तामीर पर इस वक्त $1,20,00,000 रकम सर्फ हुई थी। यह होटल एक खुफिया जेरे जमीन रास्ते से न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भी जुड़ा हुआ था। रोजवेल्ट होटल दुनिया भर में वो पहला होटल था जिसने अपने मेहमानों की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए चाइल्ड केयर और पालतू जानवरों के लिए भी खसूसी सर्विसेज मुहैया करना शुरू की थी। इसके अलावा 1947 में रोजवेल्ट वो पहला होटल था जिसने कमरों में टेलीविजन सेट मुहैया किए थे। अब बात हो जाए कि रोजवेल्ट होटल में कौन कौन ठहर चुका है। सन 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वो रोजवेल्ट होटल में ठहरे थे और इनके कयाम के लिए होटल का सदारती सुइट बुक कराया गया जिसका एक रात का किराया $6,000 यौमिया था। इससे कबल साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के अक्टूबर सन 2006 में अमरीका के दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में इस होटल का इंतखाब किया गया था। सदर मुशर्रफ का यह दौरा अखराजात के एतबार से महंगा तरीन दौरा था। इस जमाने के अखबार में शाये होने वाली खबरों के मुताबिक सदर मुशर्रफ के कयाम के दौरान पाकिस्तान सफारत खाने ने 28 लेमोजीन्स किराए पर हासिल की थी जिनका किराया लाखों डॉलर में अदा करना पड़ा था। सदर मुशर्रफ अक्टूबर सन 2001 में भी अपने अमरीकी दौरे के दौरान इसी होटल में ठहरे थे और फिर जब सन 2015 में नवाज शरीफ न्यूयॉर्क तशरीफ ले गए तो इस वक्त उन्होंने रोजवेल्ट होटल की बजाय वाल्डोर्फ एस्टोरिया का इंतखाब किया था, जबकि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी चिनपिंग भी इस होटल में मुकीम थे। जनूबी एशिया के इन दोनों ममालिक के वजीरे आजम को इतने महंगे होटलों में क्याम पर अमरीकी साफी अक्सर हैरान हुआ करते थे। महंगे तरीन होटलों के इंतखाब पर माजी के हुक्मरानों का हमेशा ये मौकफ रहा कि क्योंकि होटलों में दीगर मुल्कों के सरबराहान मुमलकत और सरबराहान हुकूमत कयाम करते हैं तो इनसे मुलाकातें तय करने में आसानी होती है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अगले 7 दिनों में तमाम अहम मुलाकातें रोजवेल्ट होटल में होना तय है। अब हम आपको बताते हैं कि होटल PIA की मलकियत कब और कैसे बना। सन 1979 में PIA ने सऊदी अरब के शहजादे फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल साउद के साथ मिलकर इसको लीज पर हासिल कर लिया। इस लीज की शर्त में एक शिक ये भी शामिल थी कि 20 वर्ष बाद अगर PIA चाहे तो इस होटल की इमारत भी खरीद सकती है। सन 1999 में PIA ने इस शिक का फायदा उठाते हुए होटल की इमारत को $3,60,00,000 में खरीद लिया। PIA को होटल की इमारत खरीदने से पहले होटल के इस वक्त के मालिक के साथ एक तवील कानूनी जंग लड़ना पड़ी। इससे कबल सन 2005 में PIA ने सऊदी प्रिंस के साथ एक सौदे में रोजवेल्ट के 99% शेयर खरीद लिए और सऊदी शहजादे के पास सिर्फ 1% शेयर ही रह गए। सन 2007 में PIA ने होटल की मरम्मत और असर 9 तजीनो आरइश का काम शुरू किया जिस पर $6,50,00,000 का खर्च आया। इसके बाद PIA ने अपने माली खसारों को पूरा करने के लिए होटल को बेचने के बारे में भी संजीदगी से गौर करना शुरू किया, लेकिन बाद में ये फैसला तर्क कर दिया गया। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में वाकया है जो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सिर्फ एक ब्लॉक दूर है। यहाँ से टाइम्स स्क्वायर और ब्रॉडवे जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अब आपकी इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल 9 News HD को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बरवक्त मौसूल हो सकें।